नमस्कार फ्रेंड्स पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सत्र में आपका स्वागत करती हूँ किताब मिर्द में आपका स्वागत करती हूँ कविता दीक्षित तो फ्रेंड्स शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती ये किताब मुझे जैसे समझ में आई मैंने उसको समझाने की एक्सप्लेन करने की कोशिश की अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ धन्यवाद <laughs> तो आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें कि मृदा तीन दिन के मौन के लिए चला जाता है और वापस वो अपना मौन तोड़ता है तो उसका शिष्य में कहन पूछता है कि मास्टर शब्द बेहतर है या मौन बेहतर है तो मेरे कहता है कि शब्द भले ही कितनी भी ईमानदारी से कहे गए हों वो झूठ है जबकि मौन सत्य है मौन में सत्यता है तो उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि जिस समय मेरी मैं ईश्वर की मैं के साथ एक हो जाएगी स्थित हो जाएगी तब मेरे तब हमें शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी तब हमारे विचार आदान प्रदान करने के लिए हमें शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी लेकिन तब तक मेरी मैं आपकी मैं अलग अलग है हम अपने अपने अहंकार में स्थित हैं तो हम क्या करते हैं शब्दों का एक युद्ध चलता रहता है इस संसार में हम अपनी बात की सत्यता साबित करने में लगे रहते हैं और इसलिए ये सारे शब्द झूठे हैं ऐसा मिर्द का कहना है तो मिर्दाद कहते हैं कि अपने सारे शब्दों पे जो के जो हथियार लेके घूम रहे हो इन सबको फेंक दो और मैं तुम्हें मौन में ले जाऊँगा और वो वो मौन वो शून्य वो ऐसी जगह है जहाँ सारे स्वरूप बन रहे हैं और उसके बाद लुप्त हो रहे हैं सारी ध्वनियाँ निकल रही हैं जहाँ से और फिर विलीन हो रही हैं सारे चीज़ें प्रकट हो रही हैं और अप्रकट हो रही हैं वहाँ जाके जब तुम कंटम्पलेट करोगे विचार करोगे तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाओगे और वहां जाके तुम्हारे सारे भय सारी चिंताएं सब निकल जाएंगी और जितने भी तुम्हारे इच्छाएं हैं तुम्हारे वासनाएं है, कामनाएं वो एक ये सारे भय और इच्छाएं ये सब भालों की तरह तुम्हारे शरीर में लगे हुए हैं तुम्हें दर्द दे रही है तो जब तुम उस मौन में स्थित हो गए तो तुम देखोगे कि सारे भा, भाले जो हैं स्पीय सब निकल रहे हैं तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे शरीर को इस दर्द से इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी वहाँ जाके क्या होगा कहते हैं वहाँ जाके तुम उन सारे शब्दों को छोड़ दोगे जिनसे कि तुम निकलते हो शिकार करने जैसे कि एक शिकारी निकलता है शिकार करने इस तरह से हम अपने शब्दों के द्वारा निकल आ, शिकार करने निकलते हैं किस चीज़ का शिकार हम क्या चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं संतोष हम चाह रहे हैं खुशी प्रसन्नता लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है बेचैनी हमें मिल रहा है दुख हम ले आ रहे हैं शिकार करके बेचैनी और दुख का तो मिर्जात कहता है कि जो आ, अपने शब्दों के द्वारा शान मारना बातें करना ज़्यादा ज़्यादा बोलना सब पूरी तरह से बंद कर दो अपनी शेखी बघाना बंद कर दो जिस तरह तुम अपनी शर्मनाक हरकतों को अपनी शर्म को दबा के रखते हो उसी तरह से अपने सदक्यों को सद्गुणों को बताओ मत दुनिया को उनको दबा के रखो अपने आप दुनिया को जानने दो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है वो कहते हैं कि ज़्यादा बोलने से बचो अमीरदार कहता है जहाँ एक हज़ार शब्द हम बोलते हैं वहाँ वास्तविकता में हमें सिर्फ एक ही शब्द बोलने की आवश्यकता होती और वो ज़्यादा जो हमने बकबक -बक की है वो क्या होती है वो एक धुंध की तरह बादल की तरह हमारे मस्तिष्क पर छा जाती है हमारे कानों को बहरा कर रहे हैं शब्द हमारी जीव तंग आ चुकी है बोल बोल के ये स्थिति है मनुष्य की इतना ज़्यादा बोलता है मनुष्य तो उसका शिष्य जो है मिर्दाद का बनून पूछता है कि तो मास्टर फिर आप प्रार्थना के बारे में क्या कहेंगे क्या हमें प्रार्थना भी नहीं बोलनी चाहिए तो मिर्दाद कहता है कि जब तक हम स्वयं को नहीं पा लेते प्रार्थना स्वयं के लिए अपने खुद के लिए नहीं है तब तक किसी भी देवी देवता से प्रार्थना करना व्यर्थ है क्योंकि मिर्दाद का कहना है कि हर आवश्यकता में उस आवश्यकता की पूर्ति की चाबी छुपी हुई है बहुत ही खूबसूरत बात है ये इसको सुनिए फ्रेंड्स मनुष्य को ईश्वर ने हर ताले की चाबी दी हुई है मीरदाद का कहना है लेकिन हम क्या करते हैं हम उन सब चाबियों को घुमा देते हैं और फिर हम जाते हैं ताला बना चाबी बनाने वाले के पास लॉक स्मिथ के पास बार बार उसको बुलाते हैं अभी फिर से ताला खोल दो अभी फिर से ताला खोल दो ऐसे ही हम अपनी प्रार्थना के द्वारा करते हैं अब ये दे दो अब ये कर दो ये हम करते रहते हैं तो कहता है कि क्या करना है तुमको अपने मस्तिष्क पर मन मस्तिष्क पर पड़ी हुई जो गंदगी है उसको साफ़ करो उसके उसको बदबू को हटाओ उसको चमकाओ स्वच्छ करो तुमको सारी चाबियों के पते मिल जाएंगे तुम्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है सारे सारी चीज़ों की चाबियाँ तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई है मिर्दाद का कहना है मनुष्यों के बारे में वो बताता है कि हम बजाय धन्यवाद देने के ग्रेटफुल रहने के हम क्या करते हैं कुछ मनुष्य क्या करते हैं ईश्वर को डंपिंग ग्राउंड की तरह उन्होंने बनाया हुआ है सब चीज़ें ले जा ले जा वहाँ पटकना क्या बोलेंगे वो अभी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है पेट में दर्द हो रहा है दांत में दर्द हो रहा है मेरे मेरा जो है मेरे बिजनेस में लॉस हो गया है फिर अब मेरा इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया बदला लेना है मुझे Uh, मुझे रात भर नींद नहीं आई सारी प्रार्थना अपनी जो है शिकायतें भगवान से बोलते रहते हैं <laughs> कुछ मनुष्य कहते हैं क्या एक खजाने की तरह ईश्वर को करते हैं जैसे कि वहाँ से हर वक्त चीज़ लेते रहो अब ये दे दो अब ये दे दो अब ये दे दो अब ये दे दो और कुछ मनुष्य क्या करते हैं वो एक बुक कीपर की तरह हिसाब किताब रखने वाले की तरह करते हैं इसने मेरे साथ ये किया वो किया इसने ये दिया इसने ये लिया और वो सोचते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारे फेवर में सारे हिसाब किताब लिखता रहे तो कहते हैं क्या आप ईश्वर को याद दिलाते हो कि अब सूर्य के उगने का समय हो गया है? या आप चंद्रमा के सेट होने का समय हो गया है अस्त होने का समय हो गया या आप मक्के के दाने आने का समय हो गया मक्के में दाने डाल दो भगवान तो मीरराज कहते हैं क्या तुम अपने आप को तुमने समझा क्या है अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों अपने आप को और ईश्वर को परेशान करते हो क्या तुम उस मक्के के दाने से भी गए बीते हो कि तुम्हारी पुकार वहाँ तक नहीं पहुँचेगी ईश्वर तक और फिर दाद ने बड़े न, कड़े शब्दों में कहा है कि हर वक्त जो है घुटनों पे गिरे हुए हाथों को फैला के चीख रहे चिल्ला रहे हो बुला रहे हो तो ईश्वर का कान है कहाँ वो तुम्हारे मुँह से भी ज़्यादा तुम्हारे पास है ऐसा मीरदार का कहना है तो अपनी ढेर सारे जो चिंताएँ परेशानियाँ उनको उनको लेके मत जाओ अपने हृदय को मैं ढूंढो उसको एम्प्लोर हिम नॉट टू ओपन बाहर के दरवाजे खोलने के लिए नहीं बोलो उसको उस अपने सिर्फ हृदय के दरवाजे खोलने के लिए बोलो बस सब कुछ तुम्हें वहीं मिल जाएगा बहुत ही प्यारी बात है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनने बोली है में मिकाइल नेमी ने इसके द वे मैं बताना भूल गई इसके लेखक है मिकाइल नेमी जो कि आपको पता ही होगा तो मिकाइल नेमी इसमें बताते हैं कि ईश्वर ने हमें एक बहुत शक्त, शक्तिशाली होस्ट दिया हुआ है वो जो कि हमारे शरीर में मौजूद है एक शक्ति है जो कि हमारे शरीर में मौजूद है और वो शक्ति को हम जब चाहें जहाँ चाहें बुलाएं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उस शक्ति को यूज़ करने के लिए हमें ज्ञानवान बुद्धिवान होना पड़ेगा हमको हमको एक डिसिप्लिन अनुशासन में रहना आना चाहिए और हमको साथ में बहुत साहसी होना चाहिए अगर हम कमज़ोर हैं भीरु हैं तो हम उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और वो शक्ति क्या है वो शक्ति है हमारे लाल रक्त कण लाल रक्त कण जो हैं वो इतने इतने हर हर लाल रक्त कण को ये कहते हैं कि मेरेकुल ऑफ स्ट्रेंथ है वो और उसके अंदर रिकॉर्ड है हमारी सारी ज़िंदगी का हमारे सारे इच्छाओं का हमारी सारी कामनाओं का हमारे हमारे बारे में हर चीज़ जो हो सकती है उस लाल रक्त कण में रिकॉर्डेड है और वो लाल रक्त कण हमारे नसों में शांति से दौड़ रहे हैं है, कितनी प्यारी बात है ये और वो सब जाते कहाँ हैं वो एकत्र होते हैं हमारे हृदय में तो इसीलिए हमारे हृदय को इतना उच्च स्थान दिया गया हम अपने हृदय को इतना आदर सम्मान देते हैं हम उसको रिवर करते हैं क्योंकि वही स्थान है सब कुछ पाने का सारे चाबियों को सारे तालों को खोलने का सारे चाबियों का स्थान वही है तो मिर्जाद का कहना है कि सारी इच्छाएं जो हैं आपकी उन लाल रक्त कणों में मौजूद है लेकिन उन इच्छाओं के ऊपर कमांड कौन करता है आपका दिमाग आपका मस्तिष्क जो है वो कमांडर है तो ये कहता है कि मिर्दाद कहते हैं कि आपको आ, कोई भी संत है अगर उसको संतत्व पाता है वो पाना है उसको तो वो क्या करता है वो अपने सारे शरीर में अस्तित्व में एक ही इच्छा रखता है मुझे ईश्वर के साथ एक होना मुझे ईश्वर को पाना मुझे अपने आप को पाना और ये इच्छा उसके सारे लाल रक्त कणों में समा जाती है और उसके बाद क्या होता है मीर्ज़ाद का कहना है कि इस इस सृष्टि में जितनी भी ऐसी शुभ विचार शुभ इच्छाएं मनुष्यों ने कभी की हैं या मौजूद हैं वो सब आ जाती हैं उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए शुभ इच्छा को पूर्ण करने के लिए मिर्दा का कहना है आपकी सारी शुभ शुभता से भरी हुई प्रार्थना जो कि शुभ प्रार्थनाओं से भरी हुई आपकी इच्छा उनको पूरा करने के लिए सारी सृष्टि आपके साथ एक हो जाती है आपको पूरा करने में सहायता करती है तो इस प्रार्थना करने का मतलब क्या है आप एक मास्टर डिजायर रखो एक इच्छा ज़्यादा नहीं रखना ढेर सारी नहीं एक इच्छा रखो और उसको अपने अंदर पूरी तरह से इन्फ्यूज़ कर लो संभालो आपका व्यक्तित्व उस इच्छा के साथ एक हो जाना चाहिए और तब वो इच्छा पूरी करने में सारी सृष्टि आपकी सहायता करती है और आपकी इच्छा पूरी होती है तो इसलिए शुभ विचार मनुष्य को हमेशा हमेशा करते रहना चाहिए और हमेशा इस तरह से करना चाहिए कि वो उन इच्छाओं के साथ एक हो तो मिर्दाद कहते हैं कि आपको प्रार्थना के लिए और कुछ नहीं चाहिए केवल एक जागृत हृदय चाहिए आपको मुंह की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है प्रार्थना करने के लिए आपको किसी मंदिरों की आवश्यकता नहीं है प्रार्थना करने के लिए क्योंकि जो व्यक्ति अपने हृदय में मंदिर को नहीं ढूंढ पाया वो मंदिर में जाके खुद अपने आपको अपने आप को अपने हृदय को कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा तो मिर्जाद कहते हैं कि हमेशा याद रखिए कि जीवन जो है वो क्या है एक क्रिएटिव वर्ड है मैं आई एम वो लाइफ है और उसको जीवन को पाने की चाबी है क्रिएटिव वर्ड मैं और क्रिएटिव वर्ड जो मैं मैं हूँ इसको पाना है अगर आपको तो कैसे ढूंढेंगे आप आप प्रेम के द्वारा इसकी चाबी है प्रेम और प्रेम को पाना है प्रेम को कैसे ढूंढेंगे आप इसको पाने की चाबी है अंडरस्टैंडिंग ज्ञान दिव्य ज्ञान इसको पाने की चाबी है तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है कि मरदाद की बहुत बेइज्जती करता है शमदान उसको धक्का देने की कोशिश करता है और उसको निकालने की कोशिश करता है ले तो क्या होता है लेकिन वो उसको हिला भी नहीं पाता अपनी जगह से और चला जाता है तो जमूरा नाम का शिष्य बोलता है से मरदाद से कि इसने आपकी बेइज्जती की आप बताइए हमें हुक्म दीजिए कि हम क्या करें तो मिरद कहता है कि प्रार्थना करो शमदान के लिए एक ही कार्य करना है बस ये प्रार्थना करो कि उसके आगे जो धुंध छाई हुई है आवरण पड़े हुए हैं वो सब हट जाए और वो अपने स्वरूप को पहचान पाए वो देख पाए कि वो क्या कर रहा है क्या सही है क्या गलत है और खाली शमदान के लिए नहीं सारे क्रीचर्स जो हैं धरती पर सारे मनुष्यों के लिए उनके शुभ के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए क्यों क्योंकि ये सृष्टि जो है ये हमारा संसार एक विशाल काय सीढ़ी की तरह है जो लगातार चल रही है और उस सीढ़ी में उसके सीढ़ी के जो पायदान होते हैं रंग होते हैं जो बीच बीच में लगे होते हैं वो कौन है वो हम सब है तो कोई मनुष्य जब आगे बढ़ना चाहता है तो वो उसको एक दूसरे मनुष्य के कंधे का सहारा लेना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए और ऐसे ही हमें अपने कंधे का सहारा दूसरे मनुष्यों को देना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी सीढ़ी कमज़ोर हो बिरदार कहता है क्या तुम चाहोगे कि तुम एक उसके पायदान इस तरह से निकालते जाओ और सीढ़ी कमज़ोर हो जाए तुम्हारी तो हमें क्या करना है हमें सिर्फ़ अपनी सीढ़ी की मजबूती के लिए उसकी वेलबीइंग के लिए उसकी खुशहाली के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है शमदान हमारी सीढ़ी का एक वो है पायदान है हमें उसके लिए प्रार्थना करना ही है और जमोरा से वो कहता है मेरदार तुम क्या सोचते हो कि शमदान ने मेरी बेज़ती की एक छोटा सा गंदा अगर तालाब है तो क्या वो समुद्र को गंदा कर सकता है क्या कोई तलवार क्या आकाश को काट सकती है क्या तो जो लोग छोटे तुच्छ मनुष्य होते हैं संकीर्ण विचारों वाले वो सोचते हैं कि हमें बेइज्जती का बदला बेइज्जती से लेना है है ना और ये ऐसा ही है जैसे कीचड़ से कीचड़ को साफ करना तो मिर्दाद कहता है कि अपने हृदय को कमज़ोर मत बनाओ छोटा मत बनाओ उसे समुद्र की तरह गहरा बनाओ विशाल बनाओ और उन सबको ब्लेसिंग दो उन सबको आशीर्वाद दो जो कभी बेइज्जती करें तुम्हारे या तुम्हें बुरे शब्द बोले या तुम्हें श्राप दें उन सबको हमको आशीर्वाद देना है उनके लिए उनके शुभ के लिए हमें प्रार्थना करनी है तुम धरती की तरह बनो जो कि इतनी उदार है इतनी विशाल हृदय है कि हमारी सब गंदगी लेके हमें वापसी में क्या देती है हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है हमें सौंदर्य देती है और यही ज्ञान है ये ज्ञान है जो तुम्हें आगे लेके जाएगा मान अपमान से ऊपर उठो ऐसा मिर्दाद का कहना है आगे मिरदार ने बहुत ही प्यारी बात बोली है और वो बात बोली है जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं उनके बारे में जो हमारे धार्मिक संस्थान जिनका कार्य है लोगों को जागरूक बनाना जागृत करना उनको रास्ता दिखाना उन्हें शिक्षित करना वो आजकल क्या हो गए हैं वो हो गए हैं व्यापार का केंद्र बन गए तो मिर्दाद कहते हैं कि हमको बहुत सोच समझ कर ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स अपना पैसा जब भी दें तो ऐसी जगह पर दें जहाँ उस पैसे का सदुपयोग हो कभी भी आपके पैसे का दुरुपयोग हो ऐसी संस्था में ऐसी जगह पर कभी भी दान न दें और जो संस्था आपको लगता है कि मनुष्य को जागरूक बना रही है मनुष्य को शिक्षित कर रही है सेवा कर रही है हमेशा वहाँ अपने पैसे का दान दें और दान देना बहुत आवश्यक है ये तो हमें मालूम ही है दान के बिना जीवन नहीं है और मैं मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहने में आ, कि हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी जो है वो बहुत ही अग्रणी है वो इसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह से सेवा की जाती है किस तरह से पैसे का सदुपयोग किया जाता है जहाँ किस तरह से मनुष्य को ध्यान ज्ञान सिखाया जाता है ये इसका उदाहरण है तो इस मेरा बहुत नमन हमारे गुरु पत्री सर को और सारे मास्टर्स को जो इस इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं और जो हम मनुष्यों को रास्ता दिखा रहे हैं करोड़ों लाखों करोड़ों मनुष्यों को आज रास्ता दिखा रहे हैं धन्यवाद <laughs> तो आगे हम चलेंगे आगे शमदान कहता है कर क्या करता है कि वो जो मठ के साथी हैं उनको रिश्वत देने की कोशिश करता है अपनी तरफ मिलाने के लिए जिससे वो अमीरदा का साथ छोड़ के शमदान की तरफ आ जाए तो और कोई नहीं लेता लेकिन एक हिम्बल नाम का जो मटका साथी है वो रिश्वत ले लेता है और वो पैसा अपने पिता के पास भेजता है उसका पिता उस पैसे से एक बैल खरीदता है लेकिन वो बैल ही उसके पिता की मृत्यु का कारण बन जाता है वो बैल उसके पिता का सिर कुचल देता है और जिससे कि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो हिमबल बहुत दुखी है मिर्दाद कहता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं हुई है जिस प्रकार एक पेड़ लगा है जंगल में जब वो जहाज़ में लगता है तो उसका स्वरूप अलग हो जाता है जब वो मंदिर में नक्काशी होकर लगता है तो उसका स्वरूप अलग हो जाता है अगर वो जेल में लगता है तो उसका स्वरूप अलग हो जाता है इस प्रकार तुम्हारे पिता जो है वो एक ऐसी प्रकाश में चले गए हैं जो कि इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ता लेकिन मनुष्य का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि वो अपने अंदर के ईश्वर में समा नहीं जाता या ईश्वर उसको कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक उसकी परछाई की तरह उसका अस्तित्व बना रहता है और ये जो अस्तित्व है जो हम कहते हैं कि मनुष्य पैदा हुआ मर गया ये उसका जीवन जीवन काल जिसे बोलते हैं ये एक पलक झपकने के समान है जिसको लाइफ टाइम हम बोलते हैं ये ईश्वर के लिए एक पलक झपकने के समान है और जो जिस जीवन काल को हम इतना संज्ञा देते हैं कि हमने लाइफ टाइम बिताया फिर कहता है वो कुछ भी नहीं है सारा जीवन ही जीवन काल है ऑल लाइफ इज़ लाइफ टाइम सारा जीवन जीवन काल ही है इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है ना ही कोई रुकावट है कि अब ये ख़त्म हो गया यहाँ और यहाँ से शुरू हो गया समय जो है एक वो कंटिन्यूटी है वो लगातार चला जा रहा है उसका कोई आदि अंत नहीं है इस महूरदार का कहना और ये ऐसा लीनियर भी नहीं है कि आगे पीछे ऐसा ये गोले में चल रहा है एक पहिए की तरह है जो कि उसका उसका जो शुरुआत है वो आके उसके पीछे अंत है उस पर मिल जाता है तो कहीं कोई अंत और वो है ही नहीं चीज़ें पैदा होती हैं मर जाती हैं वापस नया नए जिंदगी पैदा हो जाती है और ये सब किसके द्वारा क्रिएटेड है ये सब क्रिएटेड हमारे पांच सेंसेस के द्वारा जो समय का जो भ्रम है ये किसने बनाया है ये हमारे पाँच सेंसेस ने बनाया है तो मिर्दार कहते हैं कि हम लोग मनुष्य हम हर समय गिनते रहते हैं इतने घंटे में यहाँ गए इतने किलोमीटर ये इतनी दूर है ये ऐसा मूवमेंट को हम सोचते हैं कि ये ये मूवमेंट है जबकि क्या है मूवमेंट मिलता कहता क्या कभी आपने सोचा है कि धरती आपको लेके हजारों किलोमीटरों की स्पीड से सूर्य के चक्कर लगा रही है और सूर्य फिर पूरे सोलर सिस्टम और धरती को लेके लाखों किलोमीटर की स्पीड से चक्कर लगा रहा है कहाँ हमारी गैलेक्सी में और फिर हमारी गैलेक्सी लाखों करोड़ों किलोमीटर की स्पीड से इस ब्रह्मांड में काय ब्रह्मांड में घूम रही तो स्थिरता और गति ये अलग नहीं है ये एक ही है ये खाली हमारे पांच सेंसेस का जो भ्रम है आँखों का कानों का हमारे मस्तिष्क का कि हम चल रहे हैं या हम स्थिर हैं गति में ही स्थिरता है और स्थिरता में ही गति है गति क्या है हम नहीं समझ सकते ऐसा मीरदार कहना है तो इसलिए फ्रेंड्स अब हम समय के बारे में जाने समय के बारे में मीरदार कहते हैं जैसे मैंने बताया कि तो उसका ना कोई आदि है ना अंत है वो एक व्हील की तरह चल रहा है अब वो व्हील कहाँ चल रहा है वो चल रहा है एक वर्ड जो शून्य है स्पेस का शून्य अंतरिक्ष जिसको हम बोलते हैं उसमें वो चल रहा है और इसके जो किनारे हैं रिम है यहाँ पे आ, हम अपने सेंसेस से केवल दो ही चीज़ें देख सकते हैं टाइम एंड स्पेस ये जो ब्रिम है इससे ज़्यादा हम नहीं समझ पाते और इनको भी हम ठीक से नहीं समझ पाते क्यों नहीं समझ पाते क्योंकि कहीं दिन है कहीं रात है कहीं ऊपर है कहीं नीचे है कहीं कोई चीज़ प्रकट हो रही है फिर वो विलीन हो रही है फिर दूसरी जगह तो मनुष्य बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है वो नहीं समझ सकता इस समय के खेल को नहीं समझ सकता वो तो क्योंकि ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि कौन कब कहाँ है आज यहाँ पे दिन है लेकिन अमेरिका में रात है वो व्यक्ति बोलेगा रात है लेकिन यहाँ पर तो दिन है तो कौन कहाँ से कैसे किस चीज़ को देख रहा है इस पर पूरी तरह से ये समय का चक्र निर्भर करता है कि वो क्या देख रहा है कैसे देख रहा है तो मनुष्य जो है वो बहुत उसकी दृष्टि बहुत छोटी है मिर दाद का कहना है हम देखते हैं कि जीवन हो गई मृत्यु हो गई ये चीज़ बनी बिगड़ गई लेकिन ये क्या है ये एक अनंत चक्र है ये अनंत चक्र है जो कि चल रहा है तो मन मीरदाद का कहना है कि ये जो रिम है पहिए की रिम है यहाँ पे सारी उथल पुथल है यहाँ पे जीवन है यहाँ पे मृत्यु है यहाँ अप्स एंड डाउनस हैं किसी के जीवन में कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है ये कहते हैं कि वर्ल्ड की सारी इस, इस संसार की जितनी भी अव्यवस्था दिखाई दे रही है वो सब पहिए के चारों ओर रिम पर है लेकिन स्थिरता कहाँ है स्थिरता है उसकी धुरी में उसकी जो एक्सेस है वहाँ पर सब कुछ स्थिर है तो अगर आपको अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशानियों से अस्थिरता से बचना है तो आपको कहाँ आना है आपको सड़क के चुपचाप उसकी अस्थिर एक्सेस पे आ जाना और वो एक्सेस कौन है वो एक्सेस है ईश्वर तो सारा सब कुछ पूरी दुनिया आपके आसपास घूम रहे हैं लेकिन आप क्या हैं आप समय से परे हैं आप टाइमलेस हैं आप काल से परे हो गए हैं आप स्पेस से परे हो गए हैं आप ईश्वर के साथ स्थित हो गए हैं और यहाँ पे क्या है पूरी तरह से शांति फ्रेंड्स मैं कास्टर पूछता है कि मनुष्य तो समय से बंधा हुआ प्राणी है तो वो समय के परे कैसे जा सकता है तो मिर्दाद कहता है कि जब मनुष्य इस परिवर्तनशील संसार को जान जाता है और उसके अंदर ये पुकार उठती अंदर से तड़प उठती है कि उसे समय की सीमा से परे जाना है तो उसे उस समय से मुक्ति मिल जाती है उस समय के बंधन से वो मुक्त हो जाता है वो टाइमलेस हो जाता है ऐसा है तो उसके बाद क्या होता है कि मिकास्टर पूछता है कि आ, मास्टर जब हम मर जाते हैं तब हम कहाँ जाते हैं तो मिर्दाद कहता है तुम कहाँ हो अभी मिकास्टर तो मिकास्टर कहता है कि यहाँ धरती पे तो बोलता है बस यही रहते हैं। <laughs> कहीं नहीं जाते हैं तो वो कहते हैं कि वैसे तो तुम्हारा शरीर जो मनुष्य का शरीर है वो टाइम और स्पेस जो है ना देश और काल से परे है इतना इतना ज़्यादा अद्भुत शरीर है मनुष्य का लेकिन वो जो भी चीज़ें हैं उसके पास जो भी चीज़ लेता है वो इस टाइम और स्पेस से ही लेता है बहुत ही प्यारी बात है ये जैसे कि उदाहरण के लिए जो सूर्य का हिस्सा है मनुष्य के अंदर वो आज भी सूर्य में है जो पृथ्वी का अंश है मनुष्य में वो आज भी पृथ्वी में है और इसी तरह से ढेर सारे नक्षत्र और उनके बीच की जो जगह है स्पेस है उसका जो भी हिस्सा मनुष्य के अंदर है वो आज भी उसमें मौजूद है तो ये कहते हैं मिर्दाद की ये सोचना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है कि मनुष्य का केवल एक ही घर है और वो है धरती क्योंकि और ये जो जितने भी तारे सितारे हमें देख देख रहे हैं हम स्पेस में तैरते हुए अंतरिक्ष में ये खाली शोभा के लिए है ऐसा नहीं है मिर्दाद कहता है कि जो शुक्र तारा जिसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार या लूसीफ़र हमारी गैलेक्सी मिल्की वे आ, प्लीडियस या कृतिका नक्षत्र जो बोलते हैं ये भी मनुष्य के उतने ही घर हैं जितने की पृथ्वी है और हर बार आ, मनुष्य के जो जो है जब आ, वो एक अपनी किरण फेंकते हैं मनुष्य की आँख में जाती है तो मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं और हर बार मनुष्य जब उनकी छाया में जाता है निकलता है तो वो उनको अपनी ओर खींचता है तो मिर्दाद कहते हैं कि मनुष्य जो है वो हर चीज़ों में समाया हुआ है और इनकॉर्पोरेटेड है इस 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 ब्रह्मांड की हर चीज़ में मनुष्य समाया हुआ है और वो सारी चीज़ें मनुष्य में समाई हुई हैं तो क्योंकि यूनिवर्स क्या है बस यूनिवर्स एक सिंगल बॉडी है एक एक ही शरीर है एक एक ही एकत्व एक का नाम है यूनिवर्स तो कहते हैं एक छोटे से पार्टिकल से छोटे से तिनके से भी अगर आप संबंध रखते हैं इसका मतलब आप पूरे यूनिवर्स से संबंध रखते हैं तो वो कहता है कि फिर हम बार बार इस धरती पर क्यों जन्म लेते हैं अगर हम सबसे संबंधित हैं सबका अंश हमारे अंदर है तो हम इस धरती पर क्यों आते हैं बार बार मिकास्टर पूछता है तो क्योंकि मिर्दाद कहता है कि आ, समय का एक नियम है और वो नियम है दोहराव का नियम रिपीटिशन बार बार दोहराते कोई चीज़ जो एक बार टाइम और स्पेस में हो गई है वो बार बार दोहराई जाती है और उसका दूसरा कारण ये भी है कि मनुष्य जो है एक बार जब धरती पर जन्म लेता है तो वो यहाँ की कामनाओं से वासनाओं से इच्छाओं से बंध जाता है और फिर धरती उसको एक मैग्नेट की तरह खींचती है अपनी तरफ तो वो बार बार फिर यहाँ पर जन्म लेता है ये ये जो रिपोटेशन का लॉ है इसमें ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो जो उसके इंटरवल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और कई बार बहुत कम होते हैं लेकिन दोहराव निश्चित रूप से होता है तो जमूरा पूछता है कि फिर इस दोहराव से हम कैसे बचें हम धरती पर बार बार आने से कैसे बचें तो मिर्दाद कहता है उससे बचने का एक ही उपाय है और वो है प्रेम कैसे प्रेम धरती के यहाँ के रहवासियों से इसके कण कण से आपको प्रेम करना है और इतना प्रेम करना है कि आप उस प्रेम से सराबोर हो जाओ आपके आसपास आपके अंदर बाहर सब जगह सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहे तो पूछता है कि लेकिन प्रेम तो बांधता है तो बोले नहीं मोह बांधता है प्रेम तो आपको फ्री करता है आपको स्वतंत्र बना देता है प्रेम आपको अटैचमेंट से मुक्त कर देता है सच्चा प्यार आपको तो कहते हैं जब आप प्रेम से बंध जाओगे तो जो दोहराव का नियम है जैसे कि हमारा कोई भी विचार या शब्द जो हमने बोले हैं वो वापस जरूर आते हैं हम तक तो जब वो दोहराव के लिए आएंगे तो वो पाएंगे कि सब तरफ हमारे प्रेम ही प्रेम है तो उन शब्दों को लौट जाना पड़ेगा और जब वो लौट जाएंगे तो धीरे धीरे हम उन शब्दों से उन विचारों से उन कार्यों से जो बार बार आ रहे हैं हम तक हम उनसे मुक्त हो जाएंगे और जब हम उनसे मुक्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम धर धरती के सारे कर्जे चुका देंगे और कर्जे चुका देंगे तो हम बार बार जन्म लेने से मुक्त हो जाएंगे बहुत ही प्यारी बात है बहुत ही गहरी बात है ये फ्रेंड्स तो इसके बाद हिम्बल पूछता है कि लेकिन आ, मास्टर मेरे पिता की ऐसी मृत्यु क्यों हुई उनको उस बैल ने क्यों मारा तो मिर्दाद कहता है कि समय से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और सब कुछ समय में लिखा हुआ है यहाँ तक कि जिस धरती पर आप चल रहे हो जो सांस आप ले रहे हो जिस घर में आप रह रहे हो वहाँ पे आपके जीवन की सारी कहानी लिखी हुई है माइन्यूट डिटेल में सब कुछ अंकित है इतना पावरफुल है टाइम तो बोले जैसा कि जीवन में होता है ऐसे ही मृत्यु में जीवन और मृत्यु दोनों में मनुष्य क्या होता है कभी अकेला नहीं है वो ढेर सारी चीज़ों से बीइंग्स से घिरा हुआ है और उसके बाद उन बीइंग्स से उन उन वस्तुओं से पदार्थों से जो मनुष्य जैसा उसका संबंध है जो वो उनके बारे में सोचता है वो वो उनके बारे में सोचती है मनुष्य के बारे में सोचती है तो हम एक दूसरे से लेना देना हमारा चल रहा है जो हम उन्हें दे रहे हैं वो हमें वो दे रही है और जिस तरह से मनुष्य की इच्छा होती है मनुष्य के अंदर इच्छाएं है होती हैं वैसे ही उनके अंदर भी इच्छाएं होती तो अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो तो वो आपको पसंद करती है अगर आप किसी चीज़ से नफरत करते हो भले ही वो जीवित आप उसको समझते हो या ना समझते हो वो आपसे नफरत करती है तो जैसे मनुष्य की इच्छा होती है वैसे ही उन सब चीज़ों की इच्छा होती है आपके घर के आ में रहने वाले जो जो भी आपके घर में फर्नीचर है आपके आसपास पेड़ पौधे हैं आपके मनुष्य की तो बात अलग ही है लेकिन ये जो भी जीवित वस्तु जिनको हम नहीं गिनते उनका भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि जीवित वस्तुओं का है तो मीरदार कहते हैं कि कभी भी कोई भी कठिनाई जीवन की कोई कैलामिटी कोई परेशानी अपने आप नहीं आती मनुष्य ने उसको जरूर बुलाया रहता है को, को, कभी कोई बिजली जो है किसी घर पर ऐसे ही नहीं गिरती उनका कुछ लेना देना हिसाब किताब होता ऐसे ही कभी भी कोई बैल किसी भी मनुष्य को ऐसे ही नहीं मारता उस मनुष्य का उस बैल के साथ कोई लेना देना ज़रूर होता है और इसके इसके पीछे का मनुष्य के मदाद कारण बताता है कि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं छोटी छोटी इच्छाएं जो हम समय समय पर करते रहते हैं और हम उनको भूल भी जाते हैं तो उसके वो सब इच्छाएं क्या होती है लेकिन ईश्वर से कुछ छुपा नहीं है समय से कुछ छुपा नहीं है सब कुछ रिकॉर्ड है तो वो सब छोटी छोटी इच्छाएं जैसे बूंदें गिरती हैं पानी की तो वो बूंदों की तरह टपकती हैं आसमान से गिरती हैं फिर वो छोटे छोटे नाले बन जाती हैं फिर वो बड़ी नदियाँ बनती हैं और फिर वो जैसे समुद्र में जाके मिल जाती है वैसे वो ईश्वर इच्छा जो ओमन है उसमें जाके मिल जाती है और एक बड़ी इच्छा का रूप धारण कर लेती है तो उसके बाद जब ये इच्छाएं पूरी होती हैं जो हमने कभी अनजाने में की थी तो हम कहते हैं भगवान ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये कैसे हो गया तो वो मीरगा कहते हैं कि हमेशा हमेशा जो भी इच्छाएं करो उसको बहुत सावधानी से करो बहुत सोच समझ के अपनी सांसों पर भी ध्यान देना क्योंकि हर सांस का रिकॉर्ड है तो ये कहते हैं कि आ, आप सोचते होंगे कि आ, ये पत्थर तो जड़ है इसकी च, कैसे इच्छा होगी बोले इच्छा तो हर चीज की है बस उसकी डिग्री में फर्क है अब जिस हम मनुष्य अपने आप को सोचते हैं हम बहुत विवेक वाले प्राणी हैं हमारे पास दिमाग है हम सोचते हैं लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हमने तीन दिन पहले क्या किया था तो हम नहीं बता पाएंगे हम इतने जड़ हैं तो बोले जब हम इतने जड़ हैं तो फिर पत्थर कितना जड़ होगा आप सोचो लेकिन उसकी भी एक इच्छा है उसकी इच्छा जो है उसके उसके उसमें फर्क है डिग्री में फर्क है लेकिन इच्छा तो उसकी है और कभी ना कभी फलीभूत होगी क्योंकि हर चीज़ की हर हर चीज़ की हर प्राणी की व्यक्ति की वस्तु की पदार्थ की इच्छा फलीभूत होती है क्योंकि वो एक समय जब ईश्वर जब उचित समय वो इकट्ठी होती चली जाती है और उचित समय पर ईश्वर इच्छा बन वो प्रकट हो जाती है इसलिए अपने संबंध बहुत सोच समझ के रखना अपनी इच्छाओं पर लगाम रखना अपने विचारों पर अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना तो मरदाद कहते हैं कि आ, किसी के लिए भी कभी भी आपको कुछ सोचना नहीं है ना अच्छा ना बुरा क्योंकि आपने कुछ अच्छा सोचा हो सकता उसके लिए वो इतना अच्छा ना हो तो इसलिए हमेशा केवल एक ही इच्छा करनी है और वो इच्छा ये है कि मैं सबसे प्रेम करूं सब मेरे चारों और सिर्फ प्रेम हो क्योंकि तो जब आप प्रेम की इच्छा करते हो सभी व्यक्तियों से वस्तुओं से तो वो वो ही इच्छा आप तक वापस आती है प्रेम की इच्छा ही आती है और जब आप इतना प्रेम आपको हो जाता है हर चीज़ से तो आपके आवरण हटने में बहुत आसानी हो जाती है और एक बात और कि जब तक आपको ईश्वर इच्छा की जानकारी ना हो अपनी इच्छा को ईश्वर इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं रखना चाहिए नहीं तो आपके हाथ हमेशा हमेशा पराजय ही आएगी और आप हमेशा परेशान होते रहोगे इसके बाद मिरदार ने स्त्री और पुरुषों के बारे में थोड़ा बताया संबंध के बारे में मिरदार का कहना है कि जो उच्च स्तर है वहाँ पर सबको मालूम है कि एकत्व जहाँ पर है कि स्त्री और पुरुष एक ही हैं बस एक ही एक का ही दो हिस्से हैं स्त्री और पुरुष उनमें एकत्व है लेकिन जैसे हम द्वंद्वत्व में आते हैं दुवैलिटी में आते हैं हम स्त्री और पुरुष को अलग समझने लगते हैं और स्त्री और पुरुष को अलग समझ के हम ये सोचते हैं कि यही हमारी डेस्टिनी है कि बस हमें पैदा होना है खाना है पीना है बच्चे पैदा करना है और फिर मर जाना है तो मिदार कहते हैं कि जो लोग इस कॉन्शियसनेस जो पशु वाली कॉन्शियसनेस है उससे बस थोड़ा ही आगे बढ़ पाए हैं और नहीं समझते उनको रहने दो लेकिन एक साधक को अपने अंदर के जो स्त्री और पुरुष के तत्व हैं उसे पहचानना होगा उसे जानना होगा उसे एक्सप्लोर करना होगा उसे समझना होगा तो ये कहते हैं कि हमको इस इस विल से इस फ्री स्वतंत्र होना पड़ेगा स्त्री पुरुष वाले जो इच्छा है हमको अपने एकत्व एक को पहचानना होगा साधक को शरीर के आकर्षण से परे देखना है और कई लोग कहते हैं कि ये तो प्रकृति है ये तो मनुष्य का स्वभाव है ह्यूमन नेचर है लेकिन मिर्जा का कहना है कि मनुष्य जो है एक बहुत ही विस्तृत पाण प्राणी उसको इम्पॉन्डरेबल मनुष्य की सीमाएं है जो हैं वो हमें सेट नहीं करना है क्योंकि मनुष्य का जो प्रतिभाएं हैं वो अनंत हैं उसकी जो बल है उसकी शक्ति है उसका कोई ठिकाना नहीं है इसलिए हमें मनुष्य की कभी कोई सीमा तय नहीं करनी है आगे मेरे बताता है कि कई संस्थानों में मठों में लोग एक तरह के वस्त्र पहनते हैं और दीवारों के अंदर बंद रह के कुछ साधना करते हैं लेकिन उनके विचार शुद्ध नहीं हैं इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है साधना का अगर आपके विचार शुद्ध है स्वच्छ है आपका हृदय स्वच्छ है तो आप कहीं भी रहें कैसी भी परिस्थिति में रहें आप ईश्वर को पालेंगे ये मेदार का कहना है अब आगे का चैप्टर जो है वो आम, उसमें बताया गया है कि जो उनके मठ की गाय थी एक सिमसिम नाम की बहुत ही बूढ़ी गाय थी वो काफ़ी बीमार है और उसने पाँच दिन से खाना नहीं खाया है तो शमदान ने सोचा कि अगर ये मर जाएगी तो मुझे इसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी जब तक ये ज़िंदा है तब तक कसाई बुला के इसको कटवा देना चाहिए तो इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी लेकिन जब मिर्दाद को पता चलता है तो वो वहाँ जाता है उसमें गौशाला में और बहुत ही प्यारी बात कहता है फ्रेंड्स वो सिमसिम के ऊपर हाथ फेरता है और कहता है प्यारी शमसम तुमने हमें कितना दिया इतना दिया हमको कि देते देते तुम खाना खाना ही भूल गई हो <laughs> कितनी सुंदर बात है वो कहता है सिम सिम तुम्हारा दूध जो है वो हमारे शरीर में रक्त बन के दौड़ रहा है और तुमने जो बच्चे दिए बच्चे हुए तुम्हारे वो बैल बन के हमारे खेतों को हरा भरा कर रहे हैं और आ, हमको कितनी तरह की खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ तक कि तुम्हारे जो गौमूत्र है गोबर है वो भी खाद बन के हमारे पेड़ों में सुंदर मीठे रसीले फल ला रहे हैं हमारे खेतों में अच्छी फसलें लेके आ रहे हैं तो तुमने इतना दिया है लेकिन अभी तुम्हारा लेना देना बाकी है <laughs> ऐसा बोलता है मिर्जार उससे तो मिकास्टर पूछता है कि मास्टर आपने ये सब इससे बोला क्या इसको समझ में आया तो मददार कहता है कि शब्द जो है उसकी उसके कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसका महत्व तो नहीं है महत्व तो है वो भावना जिससे मैंने बोला और वो सब प्राणियों तक पहुंच जाती है जो आपके मन की भावना होती है वो पहुंच जाते है फिर मिर्जात कहता है कि जो बुढ़ापा जो है ओल्ड एज वो एक भार है मनुष्यता के ऊपर चाहे वो प्राणियों का हो चाहे मनुष्यों का है मनुष्य उसको एक भार की तरह देखता अपने लिए भी और मनुष्य के लिए भी और वो बूढ़े मनुष्यों की बहुत अवहेलना करता है तो मिराज का कहना है कि अभी तक जो हम हैं वो हमारी पुरानी पीढ़ियों ने माता पिता दादा दादी और पूर्वजों ने जो भी कुछ किया जो जो कुछ क्या कहना चाहिए उनके प्रयत्न किए उसकी वजह से मानवता आगे बढ़ी है तो जो हमारे बूढ़े हैं उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से खर्च किया है यहाँ तक पहुँचाने में आपको तो उनकी उनकी देखभाल हमें करनी है हमें उनकी अवहेलना नहीं करनी है वो अगर वो साठ सत्तर साल के हो गए हैं अस्सी साल के तो वो ऐसे ही नहीं हो गए कितना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दिया है उसके बाद वो उस वहाँ तक पहुँचे हैं तो इसीलिए मिर्दाद कहता है कि सारे मनुष्यों के प्रति मटके साथियों से कहता है सारे मनुष्यों के प्रति हमें ईमानदार होना है हमें प्रेम करना है हमें उनकी देखभाल करनी है जैसे वो बूढ़े होते हैं क्योंकि हमारे बुढ़ापे में यही हमारे काम आएगी और ऐसे ही मेरी कहता है कि सारे जितने भी प्राणी हैं जानवर हैं जंतु हैं हमें उनसे प्रेम करना है उनकी देखभाल करनी है क्योंकि ये हमारे फेथफुल हेल्पर्स हैं ये हमारे साथी हैं हमारी इस जर्नी में जो हमें आगे ले जाएंगे तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा हमें दयावान रहना है बूढ़े मनुष्यों के प्रति पशुओं के प्रति हमेशा अपनी दृष्टि जो है वो दया की बना के रखना है हमको उसके बाद मिकेन पूछता है कि मास्टर आ, क्या हमें जानवरों को मार के खाना चाहिए तो मरदाद मि, कहता है कि दूसरों के दर्द से दूसरों के कष्ट से जो जीवन पाता पा रहा है अपने लिए उस कष्ट को बुला रहा है न्योता दे रहा है और यह क्या है यह ईश्वर का नियम है ओमन ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक प्रकृति का नियम है तो मिकेन कहता है कि अगर मुझे चुनने का स्वतंत्रता दी जाए तो मैं तो खाली चीजों की सुगंध पर अरोमा पर जीना पसंद करूंगा। <laughs> तो मेरे रात कहता है कि ये बहुत ही एक्सेलेंट चॉइस है बहुत ही उत्तम तुमने चुना है क्योंकि वो दिन दूर नहीं है हमें जबकि साधक जो है, वो सुगंध पर जीना सीख जाएंगे, प्राणों पर जीना सीख जाएंगे, और क्योंकि उस सुगंध में उस प्राण में ही सारी वस्तुओं की पदार्थों की वनस्पतियों की आत्मा है <laughs> बहुत खूबसूरत बात है ये और वो उससे पोषित होना सीख जाएंगे ना कि वो जानवरों को मार के खाना और ये सब फिर उसके बाद क्या होता है कि मिर्दाद कहता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए ये बहुत कठोर बात है लेकिन मैं उसी तरह से सुना रही हूँ जैसे इसमें लिखी हुई है फ्रेंड्स क्योंकि ये सुनना ज़रूरी है <laughs> मिर्दाद कहता है कि हर हर मांस को एक एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि जितने बार वो किसी जानवरों का मांस काटता है उसको खाने के लिए उस मांस को उसको अपने मांस से अपने फ्लैश से रिपेयर करना पड़ेगा जितने बार वो हड्डियों को तोड़ता है जानवरों की उन हड्डियों को उसको अपनी हड्डियों से जोड़ना पड़ेगा और जितना वो खून बहाता है जानवरों का उसको एक एक बूंद का हिसाब अपने खून से देना पड़ेगा और इसको वो कहता है मिर्दाद कि ये है लॉ ऑफ फ्लैश ये हमारे शरीर का हमारे मांस रक्त मज्जा का ये ये कानून है ये नियम है ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है फ्रेंड्स लेबनान जैसी जगह में जहाँ पर मनुष्य उस समय में उस जमाने में केवल और केवल नॉनवेज़ पे मांस और मछलियों पर जिंदा रहते थे वहाँ ये बात कहना बहुत ही क्रांतिकारी है तो ये मिर्दाद कहता है कि ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही नियम आपको अपने कष्टों से मुक्ति दिलाएगा तो मिर्दाद आगे उदाहरण बताता है कि अगर दो व्यक्ति जो हैं वो एक गाय का दूध पीते हैं और ये पहला व्यक्ति जो है उस गाय के छोटे बच्चे को जिसके जब पैदा हुआ तो गाय दूध दे रही है उस बच्चे को देख के सोचता है कि इसका मांस कितना अच्छा होगा मैं इसके काट के खाऊंगा और दूसरा व्यक्ति जो है वो उसी छोटे बच्चे को गाय के देख के सोचता है अरे ये तो मेरा भाई है क्योंकि मैं और ये एक ही गाय का दूध शेयर कर रहे हैं हम पी रहे हैं तो ये मेरा भाई हुआ तो असली पोषण किसको मिलेगा असली पोषण उस दूसरे व्यक्ति को मिलेगा इस विचार से ही वो पोषित हो जाएगा है ना कितनी प्यारी बात ये है <laughs> तो मिर्दार आगे कहता है कि हमारे शरीर को बहुत थोड़ा चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए बनाए रखने के लिए इसको आप कम खाना दोगे तो ये ज़्यादा आपको रिटर्न में देगी और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ज़्यादा खाना दोगे स्टफ़ करोगे तो आपको रिटर्न में ये कम क्षमता इसकी इसकी क्षमता जो है जब आप कम कम भोजन करते हो तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है लेकिन जब आप ज़्यादा ज़्यादा खाते हो भारी भारी खाते हो तो हमारे शरीर की क्षमता कम हो जाती है तो मिर्दाद कहता है जब तक साधक फ्रेगरेंस पे सुगंधों पे उन चीज़ों की आत्माओं पे जीना नहीं सीख लेते तब तक जितनी उनको आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार धरती से लें उससे ज़्यादा नहीं लें इकट्ठा नहीं करना है ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा करना और वेस्टफुल वेस्ट नहीं करना है हमको तो बोले धरती जो है वो हमको कितना कुछ देती है उसने कभी कुछ ऐसा रोका नहीं है कि ये ये नहीं लो ये लो सब कुछ भंडार उसके खुले हुए हैं तो हमें भी धरती की उतनी ही चिंता करनी है उतनी ही सेवा करनी है हमें उससे प्रार्थना करनी है कि हे hey, माँ तुमने हमें इतना कुछ दिया है जिसका हम कुछ रिटर्न नहीं कर सकते हम तुम्हारे हम तुम्हें प्यार करते हैं अनंत अपने प्यार को हमें एक्सप्रेस करना है हमें उस धरती की केयर करनी है जैसे वो हमारी करती है वैसे हमें उसकी करनी है तो अभिमार बोलता है कि लेकिन जब सभी प्राणियों को एक दिन मर जाना है तो फिर उनको मार के खाने में क्या दिक्कत है तो मीरदार कहता है कि ठीक है ये बात तय है कि सबको मरना है लेकिन जो भी उनको जानवरों के मरने का कारण बनेगा व्यक्तियों के मरने का कारण बनेगा उसको वो दुख झेलना पड़ेगा <laughs> तो बोले कि कभी मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम इस अभिमार तुम इस नरोंदा को मार दो क्योंकि मैं सब मैं तुमको प्यार करता हूँ ऐसे ईश्वर कभी किसी मनुष्य से नहीं कहेगा कि तुम इसको मार दो जब तक कि मनुष्य खुद ना कहे कि तुम मुझे मारो तब तक ये बिल्कुल भी उचित नहीं है ईश्वर कभी किसी से नहीं कहेगा अपने एक बच्चे से कि तुम मेरे दूसरे बच्चे को मारो तो फ्रेंड्स आज यहीं तक इसके बाद हम अगली बार फिर मिलेंगे आपका दिन शुभ हो नमस्कार